हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मंटू सर। एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वी कुड नॉट अपलोड इन द दिस वीडियो एट वेरी सुन। सो आम नौटा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिले एंड सॉरी फॉर द डिले ऑफ दिस वीडियो। ये जो लास्ट पार्ट मुझे कही थी, व्हाट एवर वी हैव लर्नड इन द रिमेनिंग नाइन पार्ट विल दैट इज दैट वाज समथिंग डिफरेंट एंड बट दिस इन दिस पार्ट विल सी ए मिराकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जोटा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक दैट दिस इज समथिंग न्यू वन। समस्त माइंड आसे नुआ टाइप र क्वेश्चन यही भाई आसे कि मन कर माइंड आसे जोटा केमती सल्व करवा आज बतेबी कनसेप्ट बतेबी नुआ कनसेप्ट सांगे सांगे देखिए कितने सर्टकट अच्छे दैट इज द स्मार्ट प्रिपेरेसन वी कैन से। सो व्वेन द कनसेप्ट एंड द सर्ट ट्रिक्स आर एटेज टूगेदर इट इज कल्ड द स्मार्ट प्रिपेरेसन। सो लेट स्टार्ट। फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ द मैक्सिमम मार्क टू पास ए स्टूडेंट स्कोर 130 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 85 मार्क्स। देखो फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 36% मार्क्स दैट मीन 36% है पास मार्क। बट इफ यू कंपेयर देन व्हाट इज द मार्क्स दैट यू शुड स्कोर नो 113 मार्क पाइले जो फेल होते मार्क फेल हो 85। तो आपण मानक मुझे पचारि आप गोटे 113 मार्क स्कोर कर बाकी आउ 85 मार्क पाई पास कर ह्वाट इज द पास मार्क 113 प्लस 85 दिस इज इक्वाल टू 198। बट एज पर द परसेंटेज हाउ मच परसेंट दिस इज 36%। सो 1% इज इक्वाल टू 3। सो ह्वाट इज 100% 300। दिस इज द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जाम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इन एन एग्जामिनेशन 33% इज रिक्वायर टू पास एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गॉट 210 मार्क व्हिच इज 12 मार्क्स मोर देन द पास मार्क। अच्छा जड़े 33% पाई बाकी से केते मार्क स्कोर कर 210 मार्क। बट क्वेश्चन कौन कहे ये जो 210 मार्क पाई पास मार्क रु 12 मार्क अधिक पास मार्क के 210 माइनस 12। सो यू कैन से दैट 33% इज इक्वाल टू 198। 1% इज इक्वाल टू 6। सो व्हाट विल बी 100% दैट इज इक्वाल टू 600। वेरी सिंपल। मूव टू द नेक्स्ट। ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 30 मार्क्स बट ही गेट्स 32% मार्क हिज मार्क्स आर 42 मोर देन द मैक्सिमम पास मार्क। एबे देखंतु आमे जो दुईटा क्वेश्चन जो सॉल्व बोले गोटे रु मार्क जते स्कोर करी से तरु माइनस कले टू फाइंड द पास मार्क आउ गोटे क्वेश्चन रे जते मार्क स्कोर करी जते पई से फेल हे ताको आबे सॉरी ऐड कले देन वी गॉट द पास मार्क। हियर लाइक दैट वी व्हाट यू कैन से दैट कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 30 मार्क्स दैट मीन्स 20% मार्क्स रे जदि मु 30 मार्क मिसई दिए ताले तार पास मार्क हे। बट इफ ही गेट्स 32% मार्क जो 32% पाए 42 मार्क अधिक ए 42 मार्क काटिदेले भी ताले पास मार्क हे। जब आम डिफरेन्स नहीं जावा 32 and 20% गैप 12 30 42 दैट इज इक्वाल टू 72। सो व्हाट विल बी 1% 1% इज इक्वाल टू 6। एबे आम पाखे दुईटा ऑप्शन अच्छे फास्ट तो गोटे कौन हो मैक्सिमम मार्क बाहर कर दबा टोटल मार्क दैट इज 600। टोटल मार्क 600 पाइले गोटे स्टूडेंट जदि 20% मार्क पाई प्लस 30 मार्क फेल हो जाए से केते मार्क पाई 120 + 30 150 स्कोर कर 150 600 केते परसेंट हम 25% एंड दिस इज द पास परसेंटेज। व्हाट इज द अनदर वे नो 20% मार्क पाइक भी 30 मार्क फेल हो जाए तो 30 मार्क जो फेल होता केते परसेंट यहाँ 5% बिकज 1% को केते 6 दैट मीन्स द स्टूडेंट फेल्ड बाय 5%। सो 20% पाइक 5% फेल है देन व्हाट विल बी द पास परसेंटेज दैट इज 25% मार्क हिसाब से पचारि था देन यू कैन से दैट दि इज फेल्ड फॉर 150 मार्क्स। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज ऑल्सो लाइक दैट इन ए स्टूडेंट इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स एंड सिक्योर 35 मार्क्स मोर देन द पास मार्क मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट के 30% फेल्ड बाय 25 पास मार्क 30% प्लस 25 40% 35 मार्क एक्स्ट्रा माइनस 35। सो दैट विल बी इक्वल टू 10% इज इक्वल टू 60 100% इज इक्वल टू 600।
and the questions were asking to find out the total mark or the maximum mark of the exam, and that will be nothing but the 600. So this was all a single types of questions, and you have already observed that how we are solving that question without taking any x or we are taking any 100. So this is very simple. जो जगार भी एमती पास फेल आसला देन वी कैन से पास फेल टोटाल एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आसे वन इज द लाइक द भेन डायग्राम व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड एंड दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल डू वन मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मुझे कही सिंगल टाइप्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बट सॉल्यूशन इज ए सिंगल मेथड इज देयर सिंगल टेक्निक वी हैव टू अप्लाई टू सॉल्व ऑल द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस So in this question, if the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. You can see there are different technical words or economical word we can say. That is the net income. This word plays a very important role in solving this question. What is net income? Net income kaun? No, net income is equal to when you are getting some salary, that is gross income minus deduction, that is tax, is equal to net income. Or indirectly you can say that the amount of money that we can use for our personal consumption after giving the tax, or it can sometimes it's called a disposable income. Those who are economy student, they know vegetable very well. The net income da kono gross income jenko salary hela mone gross salary net salary gross salary 50,000 tax deduction 8,000 hela pare 42,000 are we are getting in our hand cash in hand salary in hand that is the net income. Now we have to understand first. Suppose we are getting 100 gross income, tax is suppose 8%, so what will be our net income? That is 92. 10% we am taking 90. So gradually what happens? Tax increase to 18%, so now this will be 18. So what will be our net income? 82. Jodi amku kehi jane pachare टैक्स मोर केते टंका बढ़ी गला मु कहबे रुपीज 8 नेट इनकम दाले केते कमी गला रुपीज 8 कोन पई जते टैक्स बढ़ी जीवो हमर एपटे टैक्स ताले हमर नेट इनकम हाथरु ताले से कमी जीवो दिस इज ऑबवियस थिंग जते हमें टैक्स दे जीवा हम हाथरे जो खर्च करे हमें जो पैसा देला एटा सेते कमी कमी जीवो बट जदि परसेंटेज हिसाब रे मते पचारे जदि परसेंटेज हिसाब रे पचारे 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटु 100 दिस इज नथिंग बट 80%. टैक्स केते परसेंट बढ़ी गला ना मु 10 टंका दउथिले बे 18 टंका देली दैट मींस इन इंक्रीजेस बाय 10 80%. बट नेट इनकम केते परसेंट रिड्यूस हला 8 डिवाइडेड बाय 90 इंटु 100 वी कैन से लाइक दिस सो दिस इज 00 विल बी कैंसिल और दिस इज 80 बाय 9 नो स्टाम बास्तोरी 8 फुल 8 बाय 9%. बट इफ वी से दिस इज आल्सो रुपीज 8 एंड दिस इज आल्सो रुपीज 8 So the values are same in the absolute value, but those are difference in the percentage value. And why the difference comes? Because the base are different. In the upper part this is 8 and 8, but when we are calculating the percentage over a base, the base are different. Setime first case rate is 80% and second case rate is becoming the 8 full 8 by 99%. So ए जो example हमें ले थ्रू मु गोटे कथा भी कही पारी भी किने जे कौन tax रो 80% जिते टंका नेट इनकम रो 8 फुल 8 बाय 9% सेते टंका एंड वी हैव टू लर्न दिस इक्वेशन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड ओवर व्हिच वी आर गिविंग द टैक्स इज 10% कहा ऊपर दे जा हमें ग्रॉस इनकम ऊपर 18% जो देले कहा ऊपर ग्रॉस इनकम ऊपर सब ऊपर सो आई थिंक समस्त एटा क्लियर हो जाई थंदे क्लियर हो जाइतबे बिकॉज़ जिते टैक्स बढ़ नेट इनकम से कम बट परसेंटेज वैल्यू सब डिफरेंट रहे तो एबे ये क्वेश्चन को मूव करवा ओके समय लिव हो दूचे वी आर ऑलरेडी अच्छे गोटे स्लाइड आम नुआ स्लाइड बनवा यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट व्हाइल टेकिंग द क्लासेस और व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द थिंग्स सी जेते बेले व्हेन द टैक्स इज इंक्रीज बाय 19% द नेट इनकम रिड्यूस बाय 1% आमे कौन शिखिले टैक्स जिते बढ़ नेट इनकम से कम तो मुझे तेल कहीपरि टैक्स रो 19% जिते नेट इनकम रो 1% भी से इट इम्प्लाय दैट टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम
is equal to 1 by 19. So what will be the gross income? Both will be added, 19 and plus 1, 20. तो एथरो आमे कौन कही पारिबा? प्रति कोड़िए टंका रे आमे टंकाटे ताले टैक्स दोजे. So what will be the rate of tax? 20 ऊपर टंकाटे, that is 100 equal to 5%. So once we learn this concept, आमे थोड़े ही concept आ सीखी गले, this will be very much helpful to solve the questions in a single line. Just you add these two values, because one of the values is tax and the other is the net income. When you add these two, then you will get the gross income. So simple add कर दियो तो, and the one will be the tax, 19 will be the net income. So simple 1 by 20 by 100 gare. Let's take one more example without any explaining more about this question. Just put that one. This is the 2 is the tax, 23 is the net income. So what will be the gross income? 25 percentage of tax kete prati 25 tanka re ame kete re bandu je 2 tanka. This is nothing but 8%. These are more than simple you think about the mathematics. Mathematics itself says I am easier than what you think, but it is not that much easy as you think. Not a bit easy, not a bit difficult. So let's go to the next one. See, a concept, the equation I wrote down here, this is very simple. T into 19% equal to net income into 1%. This is one concept of such concept. I have given some example of in allegation also by writing this method. When we are adding a particular ingredients to a mixture, milk or water, we khali dile milk add karu thile. Apan mane dekhi parantu allegation jantu dekhantu, you can see. So this is very important equation. Ab eta ko ame lekhi ki dekhiba kete easily question mane ame solve kari pariba, but ta purvaru amku bujhibaku padibo. Dekhiba e gude question. The income of a broker remains unchanged, though the rate of commission increases from 4% to 5%. Question ago first bujhi jiba mu traditionally kar doji, then I will write that the equation and solve in a single line. Okay, so let's take income of a broker. Broker mankar income kemiti hoy, they will do something for a particular amount and they will get certain commission out of that. If it is a salesman, then salesman is also a broker. He will sell some amount of the company and you will get some commission out of that. So total business monagar 100 hotala would a broker tara kete percent pauthala agar 4% question koiba hisabre, that means he was getting 4 rupees. Now the commission increase from 4% to 5%. Again au gude kichhi amount se bikuji ame janinu baki ethara 5% se paiji. But the question is telling that he income, his income remain unchanged. Mena agaru jo 4 tanga paathila ebe bise 4 tanga tale gude particular amount ra 5% jodi 4 tanga hoy tale seita kete tanga ra business hoy 80. 5% ku 4 hel 100% ku 80, mane tale ra 80 hela. So agaru 100 unit ra business hotla ebe 80 unit ra business hela. So what is the slump in the business? That is 20% is the answer. This is one. Again, one more thing ame au gute concept sikhiba kono. Income jehetu change houni, you think business suppose agaru x tanka ra agaru hotla ebe business ketla y tanka ra. आगुरु केते परसेंट कमिशन पाउथला 4%, एबे कमिशन पाइला केते परसेंट 5%. सो आगुरु एक टंका रो बिजनेस हला तारो 4% कमिशन आनिला, एबे वाई टंका रो बिजनेस हला तारो 5% कमिशन आनिला. बाकी बोथ केसेस रे समान कहि छि कमिशन. सो एक्स रो 4% जेते वाई रो 5% सेते एक्स बाय वाई इक्वल टू 5/4 परसेंटेज काटि दो. तो आगुरु से जदि 5 यूनिट रो बिजनेस जदि 5 यूनिट रो सेलिंग होतला एबे 4 यूनिट रो हला. सो व्हाट इज द रिडक्शन? 1/5 × 100, 1 यूनिट रिडक्शन, दैट इज 20%. एही मेथड मु एथि पै कोचि, आई मोस्ट टाइम आई प्रेफर दिस मेथड टू ऑल द मेथड्स, बिकॉज़ द रीजन इज दैट दिस मेथड डजंट नीड एनी पेन एंड पेपर. वी कैन से 4 and 5, दैट मीन देयर इज अ गैप ऑफ 1 रिडक्शन इज, सो 5 ऊपर ही कैलकुलेशन हो, इंक्रीज देथले 4 ऊपर में लगे दिथांदे.
बिकज बिजनेस रिडक्शन हो जाए उसे इक्वेशन बनवा भाई भाई किए बेस हम कौन रिडक्शन देखिए ताले 5 रु 4 ही तो हित हो सो दिस इज ए वेरी सिंपल एंड बाय डूइंग दिस ए सिंगल इक्वेशन यू कैन सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन आर देयर सी नाउ वन मोर क्वेश्चन लाइक दैट ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट 5 cm अपार्ट यू कैन इमेजिन नो नो ए एंड बी इज देयर इज ए इक्वेशन सी इज ए पॉइंट सच दैट ए सी इक्वल टू 3 mm सो बी सी विल बी इक्वल टू 2 इफ द लेंथ ऑफ ए सी इंक्रीज बाय 6% सो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन बी सी यू कैन इमेजिन और यू कैन सी ए बी लेंथ तो आम चेंज कर पार्बानी जस्ट व्हाट वी हैव टू डू वी आर डिक्रीज द सी वैल्यू आम तमें केवल चेंज करवा 6% बढ़ीगला टी एपट को नहीं जा तो ऑटोमेटिक ये था रिड्यूस हो तो एबे मते निजे आपण कहंतु ए जगह मु बताऊँ एटी ए थिला एटी सी थिला एटी बी सी को मु एबे घुंचे कि ए जगह को धरि आनली ताले ए सी जदि केते बढ़िबो पचारिबि केते कहबे आपण एतिक कहबे आपण पचारिबि बी सी रो लेंथ रा केते कमी गला आपण एते कहबे ताले ए सी जते बढ़ोजी बी सी सेते कमोजी बिकॉज़ ए बी इज फिक्स सो दैट मीन्स वी कैन से ए सी रो 6% जहा बी सी रेते परसेंट से आलैट दिस भी एक्स परसेंट क्वेश्चन कहूँ बी सी के डिक्रीज हे तो ए सी के परसेंटेज परसेंटेज कैनसल ए सी 3 थिला इंटु 6 इक्वाल टू बी सी 2 इंटु एक्स सो 2-3 काटिदे एक्स विल बी इक्वाल टू हम दैट इज 9% एंड दैट्स द आंसर जस्ट ए सिंगल लाइन पिला कौन करते 100 निको पुणी भाग करते 5 मतलब वी डोंट नीड एनी सच टाइप्स ऑफ मेथड्स बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर इन ए स्मार्ट वे नो सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन ए पर्सन सेव 6% ऑफ हिज इनकम 2 years लेटर हिज इनकम शूट्स अप बाय 15% बट हिज सेविंग रिमेनर सेम नाउ यू कैन से गोटे पर्सन आगर के 6% ऑफ हिज इनकम सेविंग करूला 2 वर्ष गलापर ता इनकम एक्चुअली कौन शूट्स अप बाय 15% इनकम तो 15% बढ़ीगला बट हिज सेविंग रिमेन द सेम देन फाइंड आउट द हाइक इन हिज एक्सपेंडिचर यू सी 2 years later his income shoots up by 15% but his saving remains the same. आगरु जने तारा 6% ही saving करू थला. एबे कितने परसेंट करी वो सेटा दे नहीं बाकी saving डा बाकी ये constant है वो से कोई दीजिए. You can see here we will put the allegation one different. It will be very much interesting. We know total income equal to expenditure plus saving. A person saves 6% of his income. That means she was spending 94% of his income. So in allegation, what you can do? Here 94, here it will be 6. 2 years later, his income shoots up by 15%. Income, ra 6% saving karu thala. Income shoots up by 15%. That means majira income 15% badhila. Saving remains the same. That means 0% increase kima decrease hai jai. क्वेश्चन कह हिसाब से कौन कही फाइंड आउट द हाइक इन एक्सपेंडिचर सो हियर व्हाट विल बी द इनक्रीज 94 यूनिट को 15 सो व्हाट विल बी 6 यूनिट नो 15 डिवाइडेड बाय 94 सी 94 यूनिट को 15 हेले 1 यूनिट को केते बताने 15 बाय 94 मते केते इन दरकार 6 यूनिट दरकार 6 इनटू कर दो सो हिसाब कले बे सॉरी इट विल नॉट बी दिस इज 3 2 गुणे 2 हेले केते 47 सो दिस इज 45 बाय 47% सो हियर इट विल बी 45/47 एलिगेशन आम पढ़ीजे 15 रु गोटे बिल छोट रही ये तो बड़ हो सो 15 + 45/47 इक्वाल टू 15 × 45/47% सो दिस इज ऑल अबाउट सो यू कैन पुट द एग्जांपल लाइक दिस ऑल्सो मेथड दैट मीन्स यू कैन पुट एलिगेशन हियर वन मोर क्वेश्चन से देयर एंड दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन सी A businessman had income in the year 1995 such that he earned a profit of 20% on his investment. In the year 1996 his investment was 5000 but still sorry his income was less by 5000 but still had the same income that means kon bhavinandu investment ame gote saman kini mare jete na kharcha korije plus jete profit anuje that will be our income that is not our profit. Thus the percentage profit earned in 96% increased by 20. You have to see no percentage profit increases. Increases not it is by sorry this increases too.
सो प्रॉफिट आगरु 20% होउथला एबे प्रॉफिट 26% हे गला। क्वेश्चन बुझिबा 1995 टंका रे जणे लोक गोटे बिजनेस रे किछि टंका खर्च करथिला इन्वेस्टमेंट करथिला ता ऊपर से केते परसेंट प्रॉफिट पाउथला 20%। 1996 रे से 5000 आउरी कमई देला बाकी तथापि तार सेते ही एक्चुअली इनकम होउछि बाकी सही केस रे प्रॉफिट केते 26% हे जे। क्वेश्चन को जो व्हाट वाज इन्वेस्टमेंट 90 यू कैन सी इन दिस योर प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ एन एमबीए एग्जाम। सपोज 1995 रे से एक्स टंका रो इन्वेस्ट करी थला 1996 रे केते करी जो वाई एक्स वाई भीतर गैप आई 5000 जानी जे मु एक्स प्लस 5000 नोनी फर्स्ट टाइम दी मु करू जी बिकॉज़ आई हैव टू फाइंड आउट ए रेशियो। एई वर्ष केते प्रॉफिट पाउथला 20% 1996 रे केते परसेंट प्रॉफिट पाइला 26% बट दुईटा जाकर प्रॉफिट समान हे सो दिस विल बी इक्वल आम करवा सेम इनकम कही सॉरी इनकम समान कही सॉरी सो 120 एंड दिस 126 बिकॉज़ प्रॉफिट 20% प्रॉफिट जदि 20% है इन्वेस्टमेंट 100 हो इन्वेस्टमेंट 100 प्रॉफिट 20 तो टोटल इनकम के दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दैट इज 120। सो 1995 एक्स इन्वेस्ट करथिला टोटल रिटर्न इन इज बिजनेस इज 120% बट वाई रो जो 1996 रे वाई इन्वेस्ट कला तार टोटल रिटर्न ला 126। क्वेश्चन कहवा हिसाब से बोथ आर इक्वल सो एक्स बाय वाई इक्वल टू 126 बाय 120 परसेंटेज कैंसल दिस इज इक्वल टू 21 × 6 दिस इज 20 × 6। क्वेश्चन एवं कौन कही ना 5000 ताल कम थी सेकेंड इयरटा तो एक यूनिट कम है एक यूनिट को 5000 तो 1995 एक यूनिट थी सो दिस 105000 5500 10 lakhs 5500 दिस इज वेरी सिंपल। आशा करे वीडियो बहुत एंजॉय करते यू हैव लर्न समथिंग न्यू आम 100 नहीं कमी सॉल्व करते हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बिफोर वी हैव वॉच दिस वीडियो सो दिस आर वेरी इंपोर्टेंट थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड अगेन आई प्रोमिज यू टू अपलोड वीडियो अगेन इन द सेम फ्रिक्वेन्सी जो फ्रिक्वेन्सी वीडियो मुझे अपलोड करी अगेन से फ्रिक्वेन्सी एक्चुअली ऑल द टेक्निकल इश्यूज एंड द जेहतु गाँव में जेहतु आम अच्छे बहुत इश्यू भी एक्चुअली होती बेले बेले नेटवर्क प्रोब्लम समटाइम्स आउ समटाइम्स घर भी एक्चुअली वीडियो रेकर्ड करार गोटे साइलेंस दरकार एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग समटाइम्स सो थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड न्यूज इज दैट वी हैव क्रिएटेड टेलीग्राम चैनल एंड वन इज टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप मुझे तले लिंक दे दूसरी टेलीग्राम ग्रुप आपने समस्त जॉइन करूँ इट इज ऑल ओडिशा फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओडिशा ओवर एंड यू कैन शेयर योर डाउट्स देयर आर डिफरेंट एक्सपर्ट्स आर देयर एक्सपर्ट स्टूडेंट मैंने भी अच्छा जो मैंने प्रिपेरेसन कर देयर आर सम स्टूडेंट हू हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीएफ ऑल्सो सो एंड जो वीडियो भी होगी सब जगह पीडीएफ एक्चुअली से पीडीएफ सब एथर एक्चुअली अपलोड हो ग्रुप रे तो आपने प्लीज जॉइन करूँ जो मैंने वीडियो देखुंत डिफरेंट जीके रो पीडीएफ मैंने अपलोड हो सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड द टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल जो दिन वीडियो अपलोड हो आप सब लिंक भी पाइपारे एंड यू विल गेट एवरीथिंग यू विल बेनिफिटेड ए लॉट सो प्लीज जॉइन एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सी यू ऑन द टॉप।